मंगलवार था, इसकी वजह से ईद का पार्टी जो हम लोग सोचता है कि कल करते लेकिन मंगलवार पड़ जाता था। फिर आज इंडिया के हिसाब से हम लोग का बिरयानी बनाएंगे ईद का। ये मटन वगैरह धो के रखा हो, कातरा है। अब इधर मटन डलाया जाएगा, उसके बाद उसका दही प्याज वगैरह से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। प्याज वगैरह अभी डालेंगे, प्याज डाल दिया बहुत। लहसुन सब है ना? हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट। मटन मसाला, ये करी मसाला, काली करी पाउडर, हल्दी, मिर्चा, हल्दी, ये खतरनाक वाला मिर्चा जो जला देगा, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अपना स्वाद अनुसार, मसाला, करी डाल दिया। कौन करी? अरे वो जलाया था, डाल दिया। इधर दही डालेगा, दही के साथ मिक्स करेगा और आधे घंटे के लिए तक ऐसे रख देगा ना। हाँ, तो मैरिनेट करके इसका रख दिया जाएगा। पूरा मत डालना, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। खट्टा मिक्स कर रहे हैं। चावल बन गया। अब बड़ी इलायची, अदरक, सॉरी बड़ी इलायची और तेजपत्ता सब लोग डाले हैं। हुआ था, अब एक घंटा लगभग रख दिया था ऐसे ही, एक घंटा हो गया। तो अभी इसमें पकाएगा इधर अपना बेस्ट जो मटन बिरयानी बनाते हैं इधर का माना जाता है उसी को। बस हो गया, दूसरा डाल नहीं होगा मेरे को। कुकर में हो गया, इतना मटन भर गया और दूसरे कुकर में हम मटन डालेंगे फिर ज़्यादा, तो अच्छा लगेगा। इधर चावल वगैरह बन गया। आप बिरयानी का मटन का प्रोसेस है अपना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम नहीं वो मतलब कैमरा में नहीं आने चाह रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं भाई लोग। अपना पंचम भाई जो अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भाई बोला मेरे थे कि थोड़ा पार्टी है ईद उल अदा की, कुछ हेल्प कर दो, तो मैं कहा ठीक है आ जाता हूँ हेल्प कर देता हूँ। भाई है अपना, तो आज ये बिरयानी प्लान हुआ है, यही बनाया जा रहा है हम लोग मटन बिरयानी। देखते हैं कैसा बनता है, देखते हैं। और थैंक यू भाई आने के लिए और बनाने के लिए। वेलकम भाई।
मटन चावल हल्का डाल दो पहले पहले से। हेलो और थोड़ा बस एक घंटे के बाद बिरयानी हो गया तो हम लोग खाने में बैठे तो अच्छा लगा, बिरयानी बहुत ही अच्छा था। और सब लोग को अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से ईद मुबारक सबको।